अपने जमाने के जितने भी स्टॉलवर्ट्स हैं, हाँ, दिग्गज सबके साथ काम किया, चाहे वो प्रदीप कुमार साहब, दलीप साहब को छोड़ के मैंने सबके साथ काम किया। बहुत ही तमन्ना थी उनके साथ काम करने, मुझे मौका भी आया था, लेकिन रोल बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए देखो दलीप साहब के सामने तब की बात और थी। वो दलीप साहब माला सिन्हा क्या था, एक्टिंग वाइज बोलो, स्टेटस वाइज बोलो, जब वो नदिया के पार कर रहे थे ब्लैक एंड व्हाइट, तब मैं छोटी थी, हमने रॉक्सी सिनेमा में जाके मम्मी डैडी के साथ मैंने नदिया के पार देखा, छोटी सी थी। मोरे राजा हो ले चल नदिया के पार, ये गाना मैं बचपन में गाती थी। अब क्या बोलूं, मैं तो उनकी बहुत बड़ी फैन थी, तो उनके साथ मुझे छोटा रोल दो या बड़ा रोल दो कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम विथ हिम सेइंग सम डायलॉग बट पावरफुल, चार सीन हो पर कुछ दिखाने का भाई, कुछ उसमें वजन हो, हमको थ्रू आउट नहीं चाहिए रनिंग रोल, वजनदार। हाँ, दलीप साहब के टक्कर में मैंने ये सीन किया, तो मुझे इच्छा थी, पर वो मौका आते 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 मतलब आया ही नहीं, आते आते मतलब मैं इंतजार करती रही भाई आएगा आएगा, कभी वैजंती आ जाए उनके पास, कभी वहीदा जी आ जाए, कभी मीना कुमारी आ जाए, कभी मुम्मू आ जाए, मैं पीछे रह जाती। मैंने बोला भाई मेरे भाग में दलीप साहब के साथ काम करने का क्या लिखा ही नहीं है, सबके साथ किया, देवानंद के साथ किया, उनके साथी कलाकार बोलो, अशोक कुमार उनके बुजुर्ग, झूला वाली, बसंत वाली, हाँ, अरे बसंत भी मैंने जब देखा था छोटी सी थी, मजवाला छोटी थी, मैं छोटी थी, मैं गई थी, क्या गाना था, मेरे बचपन के ना 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 ना, छोटी सी दुनिया रे, छोटी सी मन मरे, छोटी सी मन मरे, छोटी सी दुनिया, बहुत गाती थी बचपन में, ये मधु जी गाती हैं, तब छोटी सी थी वो और मैं भी छोटी सी थी। तो तब के थे दादा मुनि देव साहब, उनसे भी जूनियर, उसके बाद दलीप साहब आते हैं, उसके बाद मैं आती हूँ, तो मेरी बहुत ख्वाहिश थी, मैंने सबके साथ किया, दादामुनि के साथ किया, देव साहब के साथ किया, इनके साथ भी करूँ, तो वो मौका नहीं मिला। जब मौका आया तो मेरी किस्मत देखिए ना कितना खराब मेरा किस्मत, उन दिनों में मैं बहुत बिजी थी टॉप, तो माला सिन्हा एकदम टॉप में, हर एक प्रोड्यूसर चाहे भाई माला सिन्हा मेरी पिक्चर में हो, ऐसा भी ईश्वर ने वक्त लाया, मैं शुक्रगुजार हूँ। तो उन दिनों में मैं अनुबंधित थी कोई और प्रोड्यूसर के साथ, सागर साहब की पिक्चर होगी, आंखें वाकई कुछ ऐसी वैसी थी, तो आ गए प्रोड्यूसर कृष्णमूर्ति जी की पिक्चर थी, तो बोले भाई हमने तो दलीप साहब को साइन किया, उसके ऑपोजिट आपको करना है, और हमने वहीदा जी को भी किया, तो मैंने कहा ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं जरूर करूंगी। तो मैंने कहा उनको क्या चाहिए था, डेट इमीडिएट चाहिए था, और दैट इज ऑल्सो कंटिन्यूअसली 10-12 दिन का रोल, ज्यादा नहीं था ये 10-12-15 दिन का था, तो ही वॉन्टेड इट कंटिन्यूअसली, ब्रेक नहीं, क्योंकि दलीप साहब का डेट ले रखा था। दलीप साहब कैसे थे ना, एक पिक्चर को जब एक सेट पे जाएंगे तो सब पूरा शेड्यूल उनका था खत्म करने का एक ही मूड में, ताकि हम उसमें रहें कैरेक्टर में, ये बहुत अच्छी बात है। तो क्या ना कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस रहता है, कंटिन्यूटी रहता है मूड का, एवरीथिंग। बाबा ने डेट बुक देखा, अरे आई वॉज बुक्ड ऑलरेडी। मेरे डैडी का उसूल कैसा था कि किसी को अगर वचन दे दिया कि भाई माला इस डेट से लेके दिसंबर में आपके पास इस डेट, फिर बाबा मुकरते नहीं थे, चाहे वो बड़े आर्टिस्ट के लालच में हो या पैसे के लालच, कोई को तो भाई ये प्रोड्यूसर ने मुझे खाली 2 लाख दिया, ये मेरे को 5 लाख दे रहा, मैं इसको डेट कैंसिल करके, मेरे डैडी का ये वसूल नहीं था। वो कहते थे भाई हर एक का पैसा लगता है, हर एक बड़ा प्रोड्यूसर नहीं होता है, कोई तो ब्याज भी लेता है, इंटरेस्ट में लेता है पैसा, तो उसको हम कैसे डुबोए, आपको क्या बताओ, 2-4 पिक्चर मैंने पैसे भी नहीं लिए, अब नाम क्या लूं। एक आंख मिचोली पिक्चर थी, शेखर था ना एक्टर, शेखर जी उनके साथ था, बेचारा प्रोड्यूसर बहुत भला था, बहुत ही ग्रे हेयर था, बहुत शरीफ हम्बल, उनका फैमिली भी था, उनकी फैमिली भी हमारे घर में आते जाते थे, बीवी बच्चे, अरे पिक्चर खत्म करते करते उनका पैसा खलास, और उन दिनों में फिर इनका पिक्चर शेखर उन दिनों में एक बार खूब चमका था एज ए हीरो, तो बाद में ऐसे फ्लॉप उनके आने शुरू हुए, डिस्ट्रीब्यूटर भागे, और पिक्चर का लास्ट शेड्यूल बाकी है और पैसे नहीं बेचारे के पास, उसने बाहर से हुंडी में बहुत पैसा लिया हुआ है। मेरे पास आ गए बाबा के पास, बाबा ने बोला नहीं चाहिए एक भी पैसा नहीं चाहिए, तू रिलीज करेगा तेरा कुछ आएगा फिर मेरे को देना, ऐसे भी मैंने 2-4, मेरे डैडी ने 2-4। तो बाबा का क्या था ना, जिसको हमने जुबान दिया बड़े एक्टर के नाते या तो ज्यादा पैसे के नाते, हम इसको लेट डाउन नहीं करेंगे, तो इसलिए वो पिक्चर चली गई हाथ से। तो मेरे बाबा में एक बात था कि वो तो पैसा ही सब कुछ नहीं है, आगे वाले का दुख दर्द भी देखना चाहिए, जिसका सर डूब रहा है विद फैमिली, हाँ, तो उसको बचाना हमारा फर्ज होता है, तो हमने नहीं किया, हमने फिर बोला कि भाई हमको तो इनकी पिक्चर खत्म कर। ये तो बहुत ही अच्छा इंसानी नजरिया है, दूसरे का ध्यान रखना, एक दूसरे को मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। देखिए माला जी,
आपको लोग पर्दे पर तो देखते रहे, लेकिन जो दूसरा एक कलाकार के भीतर जो एक इंसान होता है, इस बहाने इस प्रोग्राम के जरिए भी हमारे श्रोता आपको जानेंगे। बात चल रही थी दिलीप साहब की, दिलीप साहब के साथ में आप काम नहीं कर पाई, लेकिन देव साहब का अफसोस बहुत है मुझे। इस जन्म में नहीं, शायद अगले जन्म में फिर से मैं आर्टिस्ट होके आऊँ, तो शायद उस वक्त अगर दिलीप साहब भी दिलीप साहब बन गया तो हम जरूर करेंगे। चलिए आपकी ये तमन्ना, इच्छाएं बोलती है मरने से पहले, जिसकी जो इच्छा होती है ना वो अगले जन्म में पूरा होता है। मरे आपके दुश्मन आपको मिले, उम्र लंबी बहुत ज्यादा। देव साहब के बारे में बताइए। देव साहब को तो आप लोग भी जानते हैं, इनके जैसा स्टाइलिस्ट सच्ची उनका जो अपना मैनरिज्म है ना, ये किसी आर्टिस्ट में नहीं है। दूसरा देवानंद हो ही नहीं सकता, हाँ दूसरा दिलीप कुमार हो सकता है, बहुतों ने ट्राई किया, दिखता भी है ना, है कि नहीं? दो तीन कुमार ने किया है नकल, नाम नहीं लूंगी तो आपको, आपके ऊपर छोड़ती हूँ। पर देवानंद जी का नकल करना बहुत ही उनका चाल, उनका हाथ का जो मूवमेंट, उनका सर का घुमाना, ये कोई नहीं कर सकता। डायलॉग डिलीवरी उनका अपना ही स्टाइल था। तो इसका मतलब यह है कि अगर उसे एकांत में रखा जाए, जहाँ ना तो वो पुरानी बातें याद करे और ना उसे पुलिस और कानून का डर हो, यानी कि आम लोगों की तरह महसूस करने की उसे सहूलियत मिले, तो उसकी हालत में तब्दीली होने की उम्मीद हो सकती है। क्या ख्याल है आपका? व्हाट एन एक्टर, स्टाइलिस्ट एक्टर, हमारे इंडियन स्क्रीन में आज नहीं बनेगा। उनका थोड़ा सा नकल राजेश खन्ना ने कोशिश की गाने में, आंखें यूं बंद करना, पर उनकी तरह बिल्कुल, वो उनका अपना एक स्टाइल था। और हमारे जमाने में जैसे दिलीप साहब हुए, अशोक कुमार जी हुए, बलराज जी हुए, एक अपना अपना एक खासियत। बिल्कुल सही, दादा मुनि का